Hi everybody, good evening. Good evening. Hello, good evening. Very warm welcome to day 13. Hello, Ashish. Ashish, how's it going? Hello, ji, good evening. Good evening, Rajni. Hello, Dimpal. Hello, Ushma. Good evening. Hi, Ninad. Ashish is saying awesome, very good. <laughs> Hello, Sanjay, Sanjay Kanchi ji, Parth. Hello, Sneh. स्नेहा आ यू स्टील एट नासिक और आई यू एट पुणे हेलो दर्शन दर्शना जी राजेश जी गुड इवनिंग हव आई यू नाइस टू सी यू हेलो तन्मय रेशमा जी विच जस्ट वेट फॉर अनादर वन मिनिट और टू मिनिट्स एंड देन वील बिगेन ओके A very, very warm welcome to each one of you. Kavita ji, Sudarshan, Sachin, how are you, Sachin? Vipin, Triveni, Sunil ji, Sundarayar, good evening. Hello, ji. Thank you so much for being here every evening. Today we are on day 13. Hi Amit. ji, good evening. Hello Sunilji. Very good. Awesome. Awesome. Very nice. We we'll just wait for another minute. हाय आदित्य रमेश गुड इवनिंग कंचन जी गुड इवनिंग हेलो मुकेश गुड इवनिंग प्रशांत वेरी गुड ऑसम वेरी गुड हेलो पूजा श्वेता जी हाय श्वेता राजेश राजीव सुधाकर वाओ सो मेनी पीपल जॉइनिंग इन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस मेंशन योर लोकेशन इफ यू कैन वेर आर यू कॉलिंग इन फ्रॉम हाय निशाद Some of you are my best students. <laughs> I see you every evening. <laughs> Very nice. Hello, Panduranji. Hi, Zishan. Devendra. Nice to see all of you. Great. Hello, good evening, Sunita ji. Ashish is calling from New Delhi. Awesome, awesome, very good. Hello, Momita ji. Anita ji. Good, it's time to begin now. So, first of all, a very, very warm welcome to each one of you. And, like always, I am sincerely grateful to each one of you for spending your one hour every evening with me. And uh, I am hoping that from whatever you are learning, you are able to make some difference, the learnings are able to make some difference to your life. Okay? So, जस्ट टू डू अ रिकैप ऑफ द पास्ट ट्वेल्व डेज पिछले बारह दिनों में हमने क्या सीखा बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने और जो लोग शायद थोड़े लेट जॉइन हुए हैं मेरा ये आपसे रिकमेंडेशन होगा कि आप सारे वीडियोज़ को सारे वीडियोज़ ऑलरेडी दे आर रिकॉर्डेड एंड दे आर ऑन फेसबुक तो आप इस सारे वीडियोज़ को देखिएगा सो दैट यू आर एबल टू यू नो बी विथ द फ्लो एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वोट आई एम स्पीकिंग बट इफ यू रिमेंबर इन द वेरी बिगिनिंग वी स्टार्टेड विथ अंडरस्टैंडिंग द माइंड वी अंडरस्टूड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ ओके वी सेड ई प्लस आर इक्वल्स टू ओ वी अंडरस्टूड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वी ऑल्सो अंडरस्टूड द लॉ ऑफ वाइब्रेशन द लॉ ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी और फिर हमने काफ़ी सारे सक्सेस प्रिंसिपल्स को कवर किए क्योंकि हमने कहा कि दुनिया में जो सबसे कामयाब लोग हैं और सबसे खुश लोग हैं वो लोग कुछ तो अलग करते होंगे राइट बिकॉज़ यू सी इन द सेम फैमिली देर आर टू टू पीपल टू चिल्ड्रन यू नो बॉर्न इन द सेम फैमिली दोनों के पेरेंट्स सेम है दोनों का अपब्रिंगिंग सेम है दोनों का एजुकेशन सेम है लेकिन आप देखेंगे एक बच्चा हमेशा खुश रहता है और दूसरा दु, दु, हमेशा दुखी रहता है एक बहुत ही कामयाब हो जाता है अपने जीवन में और दूसरा कामयाब नहीं हो पाता तो उसके पीछे हमने देखा था कि देर आर टू प्रिंसिपल टू मेजर रीजन्स यू नो फॉर इफ यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी देर आर सर्टन क्वालिटी विच आर अ मस्ट देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज देर यू हैव टू हैव सर्टन क्वालिटीज लाइक पैशन डेडिकेशन यू नो हैंग अजन गोल्स यू नो वर्किंग हार्ड ऑन योर गोल्स नॉट गिविंग अप ये सारी क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए लेकिन हमने कहा कि दो ऐसी एडिशनल क्वालिटीज़ है जो हाईली सक्सेसफुल लोगों के पास है ओके एंड देट इज पहली क्वालिटी हमने कहा कि ये लोग अपने माइंड को जानते दे ऑल अंडरस्टैंड द माइंड एंड दे नो हाउ टू यूज देयर माइंड इफेक्टिवली टू अचीव देयर गोल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू स्टे काम इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ अगर हमने इसको संभाल लिया तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद संभल जाती है क्योंकि हमारा माइंड ही इतना पावरफुल है क्योंकि अगर हम अपने माइंड को काम करने दें ठीक से तो फिर आपका माइंड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है द रीज़न फॉर दैट इज़ देर इज इन्फिनिट इंटेलिजेंस दट लाइज विद इन ऑल ऑफ एस देर यह है देर सिर्फ यह है कि इस इंटेलिजेंस को पहचानना और इस इंटेलिजेंस को सही ढंग से अपने जीवन में इस्तेमाल करना इफ यू आर एबल टू रियली अंडरस्टैंड द ट्रू पावर विद इन एस द इंटेलिजेंस विद इन एस द विजम विद इन एस नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम रियली क्रिएटिंग द लाइफ दैट यू विश टू क्रिएट फॉर योर सेल्फ तो हमने कहा सबसे पहला जो था रीज़न वाई हाईली सक्सेसफुल पीपल बिकम हाईली सक्सेसफुल इज़ वन देडरस्टूड देर माइंड एंड टू इज़ दे फॉलो सर्टन प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस कुछ ऐसे कामयाबी के नियम है वो उनको फॉलो करते अब नियमों को फॉलो करेंगे तो हम कामयाबी भी पाएंगे और खुशी भी पा सकते हैं अगर नियमों को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है अब दुनिया की नज़र में कामयाब बन जाओ लेकिन अंदर से खुशी नहीं है अंदर से कुछ न कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ खालीपन है कुछ तो है जो मिसिंग है तो इसलिए हमें ये नियमों को फॉलो करना चा चाहिए और बेसिकली दीज आर ऑल लॉज विच आर इन अलाइनमेंट विद नेचर कुदरत के अगेंस्ट में हम कुछ भी करें तो कुदरत कहीं ना कहीं हमको वो वापस देता ही है जैसे जो करंट सिचुएशन ऑफ द करोना वायरस इज रियली नेचर रिस्पॉन्डिंग बैक टू वॉट वी हैव डन टू नेचर ह्यूमैनिटी जो इंसानों ने नेचर के साथ में किया है उसी का कहीं ना कहीं से हमें उसको भुगतना पड़ रहा है सो so, अगर इसी माइंड को हम सही ढंग से इस्तेमाल करें और नेचर के अलाइनमेंट में चले तो वी कैन नॉट ओनली क्रिएट सक्सेस बट वी कैन ऑल्सो क्रिएट हैप्पीनेस ऑल योर लाइफ यू कैन बी हैप्पी यू कैन बी हेल्दी यू कैन बी पीसफुल यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू विश टू क्रिएट इन योर लाइफ ओके तो हमने बहुत सारे सक्सेस प्रिंसिपल्स कवर किए जैसे अभी कल हमने जो कवर किया दैट वॉज मेकिंग श्योर दैट यू क्लीन अप ऑल योर मैसेज एंड इनकम्प्लीट्स कितनी सारी चीज़ें हम इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं और उसके वजह से हमारे माइंड में वो फाइल्स खुली रहती है जैसे कंप्यूटर में अगर फाइल्स खुली है तो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस डाउन जाएगा इट ऑटोमेटिकली गो डाउन जैसे हमारे फ़ोन में अगर ऐप्स खुले रहेंगे और बहुत सारे ऐप्स एक साथ में चल रहे हैं तो फोन का परफॉर्मेंस डाउन जाना ही जाना है सिमिलरली इफ देर आर टू मेनी थिंग्स ओपन इन द माइंड द माइंड इज ऑलवेज यू नो इट्स रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अनदर प्लेस सो वी आर नॉट एबल टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट और अगर हम इस क्षण में नहीं जी सकते तो हम इस क्षण का अच्छे से उपयोग कैसे करेंगे यू नो द ओनली वे टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल लाइफ इज रियली बी इन द प्रेजेंट एंड मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट इसीलिए इस घड़ी को प्रेजेंट मोमेंट कहा है बिकॉज दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम गॉड टू अस इस प्रेजेंट मोमेंट को अगर हम अच्छे, एक अच्छे से प्रेजेंट की तरह इस्तेमाल करें तो हम अपने जीवन को जिस तरह से चाहते हैं हम उसको बना सकते हैं इस प्रेजेंट में अगर हम बार बार पुरानी चीज़ों को याद करके दुखी रहेंगे और फ्यूचर की बात सोच सोच के हम परेशान रहेंगे या डर में रहेंगे <coughs> तो अनफॉर्चुनेटली हैव वेस्टेड द प्रेजेंट मोमेंट एंड दैट मोमेंट इज गॉन आप देखिए क्या प्रेजेंट मोमेंट कभी टिकता है लाइक राइट नाउ द मोमेंट विच इज़ देयर इज इट एवर गो टू कम बैक इट्स गॉन देन देर इज अनादर मोमेंट देन इट्स गॉन देन देर इज अनादर मोमेंट एंड इट्स गॉन सो द मोमेंट विल नेवर कम बैक हमारे जीवन का हर क्षण जो हमारे पास है वो वापस तो आने वाला नहीं है तो हमारा सिर्फ दो ही ऑप्शन है कि हम इस क्षण को अच्छे से इस्तेमाल करें या इस क्षण को वेस्ट करें एंड वन ऑफ द वेस्ट वी लर्न येस्ट इज टू क्लीन अप द माइंड विद ऑल द मेसेज एंड दैट वी हैव क्रिएटेड इन अर लाइफ जो छोटी 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 चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है इरिटेट करती है यू नो एवरी डे यू फील कि ये मैंने काम नहीं किया ये नहीं किया और सारी चीज़ों को कम्प्लीट करो वंस एंड फॉर ऑल चाहे उसका दो महीना लगे तीन महीना लगे लेकिन जस्ट फिनिश दैम ऑल अप और जैसे ही सारी फाइल्स बंद होनी शुरू हो जाएगी आपका माइंड पूरी तरह से प्रेजेंट में रह पाएगा एंड यू आर एबल टू क्रिएट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स ओके उसके पहले के दिन डे बिफोर येस्टे वी अंडरस्टूड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस विच वॉज टेकिंग वन हंड्रेड परसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड द रिजल्ट दैट यू प्रोड्यूस इन योर लाइफ हमने एक कहा यह कहा कि जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो कामयाबी का नियम है वो ये है कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही इंसान है और वो है मैं खुद जिस दिन हम अपने जिंदगी की खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो हम तीन चीजें छोड़ देंगे वी गोटू लीव थ्री थिंग्स अवे लाइफ लॉन्ग वी गोट गिव दम अप वॉट आर दो थ्री थिंग्स कम्प्लेनिंग सबसे पहले ब्लेमिंग अदर पीपल फॉर वट इज हैिंग इन आर लाइफ सेकेंड इज़ कम्प्लेनिंग अबाउट द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस एंड थर्ड इज़ जस्टिफाइंग लैक ऑफ रिजल्ट अगर रिजल्ट मिलते नहीं हैं तो हम किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे या फिर हमारे पास रीजन तैयार नहीं होंगे कि ये मैंने क्यों नहीं किया अगर मुझसे नहीं हुआ तो मैं इमीडिएटली आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एन से वॉट डू आई नीड टू डू डिफरेंटली मुझे क्या अलग करना चाहिए ताकि मैं अपने रिजल्ट को पा सकूँ

वॉट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ वॉट इज द पर्पज ऑफ माई एग्जिस्टेंस वाई एम आई योर ऑन दिस प्लानट वट एम आई सपोज टू डू ये क्वेश्चन जनरली लोगों को आते हैं करीब करीब वन देअर इन देयर मिडल मिड फोर्टीज या फिफ्टीज उस समय ये क्वेश्चन आना शुरू होता है बिकॉज पहले तो लाइफ हमारी चली जाती है अपनी जिंदगी बनाने में एक एम्बिशन के लिए पैसा कमाने के लिए सक्सेसफुल होने के लिए वो तो होना ही चाहिए एंड वी मस्ट डू दैट लेकिन एक समय लाइफ में आता है जहाँ पे हम सोचने लगते हैं कि वॉट एम आई रियली सपोज टू डू मुझे जीवन में यहाँ पे मैं आया क्यों हूँ वॉट इज़ माई पर्पज इन दिस प्लानट मुझे क्या करना है क्योंकि एक लाइफ में एक समय आता है जहाँ पे वी एक्सपीरियंस समथिंग विच इज नोन एज एम्टीनस खाली पन्ना लगता है बिकॉज सब कुछ सेटल हो गया पैसा भी कमा लिया बच्चे भी बड़े हो गए वो भी अपने रास्ते पे चले गए यू नो सब लोग बिजी हो गए अपने अपने काम में

नाउ द गुड न्यूज इज दैट गॉड क्रिएट्स एवरीथिंग फॉर अ रीजन एवरी सिंगल थिंग दैट इज क्रिएटेडेड ऑन दिस प्लैनेट इज फॉर अ पर्पज गॉड डजेंट क्रिएट एनी थिंग एक्स्ट्रा गॉड डजेंट क्रिएट एनीथिंग विच इज यूजलेस एवरी थिंग दैट इज क्रिएटेड इज फॉर अ रीजन वो रीजन शायद हमें समझ में नहीं आता लेकिन परमात्मा का हर क्रिएशन उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है इवन द क्रिएशन ऑफ करोना वायरस हैज अ रीज़न वी हैव नो आइडिया मे बी इट इज रीजन टू ब्रिंक पीपल बैक टू देयर ट्रू सेल्व मे बी इट इज रीजन द रीजन इज प्रोबली टू मेक एस रियलाइज हुई रियली आर इन फ्रंट ऑफ नेचर उसका भी एक रीजन है सो क्वेश्चन ये है कि मुझे क्यों बनाया वॉट वॉट आई रियली मेड फॉर तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा कि जैसे परमात्मा ने हर चीज बनाई मैंने आपको कहा कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है तो लेट मी आस्क ऑल ऑफ यू वाई इज अ रोज मेड एक गुलाब को क्यों बनाया परमात्मा ने वाई इज गॉड मेड अ रोज लेट्स सी व्हाट आर योर आंसर्स गुलाब को क्यों बनाया परमात्मा ने देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जैसे उमेश जी भी कह रहे हैं कि आज मॉर्निंग में मैं मेरे, मेरे दोस्त से बात कर रहा था कि परमात्मा ने मुझे क्यों बनाया <laughs> आप सोचिए आपका आंसर आपको मिलने वाला है आज उमेश जी इसलिए आपने पूछा था शायद इट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एट वर्क राइट वेन एवर यू लुकिंग फॉर समथिंग यू फाइंड द आंसर वेरी गुड पांडुरंगी सैज रोज इज मेड फॉर फ्रेगरेंस वेरी गुड इट इज गिवन क्रिएटेड टू गिव फ्रेगरेंस टू पीपुल्स लाइफ सुरेश जी सेज इट इज टू स्प्रेड फ्रेगरेंस इन द एनवायरमेंट येस निषाद सेज टू बी फ्रेगरेंट एंड टू एड ब्यूटी टू द वर्ल्ड पूजा सिंह सेज इट्स टू एडमायर ब्यूटी यस ऑसम आई थिंक ऑल योर रीजन्स विच यूर गिवन इज करेक्ट द रोज उसका मेन पर्पज इज टू रियली स्प्रेड फ्रेगरेंस एंड ब्यूटी to everybody who is actually holding it in his or her hand, it is spreading its fragrance and beauty. <coughs> Now अगर आप ध्यान से देखेंगे तो does the rose differentiate between people who are holding the rose? Suppose एक saint ने गुलाब को हाथ में लिया और एक criminal ने गुलाब को हाथ में लिया. Does this rose serve differently? No, the rose is serving both of them unconditionally. Rose अपना काम किए जा रहा है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको उठाने वाला कौन है. रोज इज सर्विंग इट्स पर्पज अनकंडीशनली उसका जो काम है उसका काम यह है कि स्प्रेड फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी वेरी गुड एक पीकॉक का रोल क्या होता है वॉट इज अ पीकॉक मेड फॉर कैन एनी बडी टेल मी व्हाट इज अ पीकॉक मेड फॉर ओके स्प्रेड एनर्जी ऑफ लव I think this is the answer for the rose. But what is a peacock made for? Because God has created everything for a reason. There is no no extra things here. Okay, Rituji says to give fragrance and to fight negativity. That is for the rose. Okay, Ramesh says to bring happiness.

कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है कोई ताली बजा रहा है कोई नहीं बजा रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इट इज ओनली इट जस्ट डांस इज टू इट्स ट्यून एंड इट एंजॉयज द डांस सो द रोल ऑफ द पीकॉक इज टू स्प्रेड हैप्पीनेस थ्रू इट्स डांस डांस इज टू स्प्रेड हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड लोग जब पीकॉक को डांस करते हुए देखते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं राइट एप्सल्यूटली मानसी सेज टू सर्व द लॉर्ड एप्सोल्यूटली एवरीबडी इज फाइनली बिल्ड टू सर्व द लॉर्ड Hello, let's take one more example. Why is the sun created? What is the purpose of the sun? Very good. Everybody is giving the reasons for the peacock. Jisan says to dance. Ranjit Ji says natural dance. Why is the sun created? The reason I am giving you all these examples is for you to understand what is the true meaning of purpose. In Islam, there are examples examples hello sanjeev ji okay we have good and bad together but it's up to us what we are taking that is shalu saying okay very good yes so pandurang ji says to give sunlight and to give energy uh, jaishree ji says to illuminate to give light and life very good this is the perfect purpose of the sun to give light and life डज द सन डिफरेंशियट बिटवीन एनी बडी कि मैं इसको लाइट दूंगा इसको लाइट नहीं दूंगा इस प्लानट को दूंगा इस प्लानट को नहीं दूंगा डज द लाइट डिफरेंशियट डन डिफरेंशिएट नो इट जस्ट सिंपली सर्वस इट्स पर्पज इट जस्ट स्प्रेड जॉइन इट बेसिकली गिव्स लाइट एंड लाइफ ड्यू नॉट दैट अगर सन लाइट गायब हो जाए अगर सन गायब हो जाए अठारह घंटे के लिए ओनली एटीन आवर्स इफ द सन वैनिश द एंटायर लाइफ ऑन दिस प्लानट विल कोलैप्स नथिंग विल एवर स्टे अ लाइफ जस्ट एटीन आवर्स तो आप सोचिए इट इज बिकॉज ऑफ सन दैट वी आर ऑल अलाइव एवरी सिंगल लिविंग बींग ऑन द्लैनेट इज अलाइव बिकॉज सन इज गिविंग लाइट एंड लाइफ एंड द सन इज डूइंग इट द सन डजेंट गिव लाइट फॉर इट सेल्फ इट गिव लाइट फॉर अदर पीपल वेरी गुड सो नोटिस द पॉइंट अनकंडिशनैलिटी यहां पर कोई कंडीशन अटैच नहीं है लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल वाई इज अट ट्री क्रिएटेड एक पेड़ को क्यों बनाया जाता है इज लॉट्स ऑफ क्यू एन ए टूडे क्वेश्चन एंड आंसर्स वाई इज अ ट्री क्रिएटेड वेरी गुड एवरीबडी इज गिविंग अ लॉट ऑफ आंसर्स फॉर द सन वाई इज अ ट्री क्रिएटेड एक पेड़ को क्यों बनाया परमात्मा ने अब आप थोड़े ध्यान से देखोगे ना तो पेड़ को कितने पर्पज के लिए बनाया है एंड इट इज सो वेटिंग फॉर अ फ्यू आंसर्स वेरी गुड ऑक्सीजन शेल्टर हैबिटेट अवर लाइफ इज इन ट्री इट गिव्स फ्रूट्स इट गिव्स फूड ऑक्सीजन गिव्स ऑक्सीजन विनोद गिव्स ऑक्सीजन जीशान सेज इट गिव्स फ्रूट And it also gives shade. Pandurangji says it gives shade. It gives shelter and food. Meheji says that. Shweta says it gives fruits and shade. Rameshi says it gives shade. Very good. So the the role of the tree is pretty pretty normal. One is it gives fruits, it gives shade, it gives oxygen. But does it give all of these things for itself or for others?

नाउ लेट्स गो लिटिल इन साइड अवर ह्यूमन बॉडी हमारे ह्यूमन बॉडी में एक चीज होता है जो हर रोज यू नो इट इज इट इज एक्चुअली द लाइफ ऑफ अर अवर बॉडी हार्ट वॉट इज द पर्पज ऑफ द हार्ट चलो एवरीबडी इज गिविंग लॉट्स ऑफ गुड रीजन फॉर द पर्पज ऑफ द ट्री हमारे हार्ट का मकसद क्या है हमारा जो हृदय है हार्ट है What is the purpose of the heart? Yes, heart, Jai Shri. What is the purpose of the heart? Okay, so yes, the answers are coming in still for the tree. To pump blood, very good. So, Zishan says it pumps blood. Ritu says it pumps blood. Pandurangji says it does pumping of the blood.

Yes, all of giving reasons that heart is used to pump the blood, to purify blood. But since when has, has it been pumping? To express love, Ji says. Before our birth, yes. <laughs> Shaisa, you know the answer. <laughs> so it is before our birth, not even from our birth, but it is even before we were born. फ्रॉम द मदर्स बोम द हार्टज बिन पंपिंग सेवन बाई ट्वेंटी फोर आप सोचिए चौबीस घंटे सातों दिन इट हैज बिन पंपिंग एंड द हार्ट नेवर गेट्स टायर्ड क्या हार्ट ने कभी आपसे छुट्टी मांगी कि भाई मुझे तीन मिनट जरा छुट्टी दे दो यू नई टायर्ड कैन यू गिव यू ब्रेक फॉर थ्री मिनट फाइव मिनट्स आई एम रियली टायड डज इट से अगर उसने छुट्टी ले ली तो हमारी छुट्टी हो जाएगी तो हार्ट इतने सालों से इतना पम्प बाय द वे डज द हार्ट पम्प फॉर इट सेल्फ और डज इट पम्प फॉर द अदर्स डज द हार्ट पम्प फॉर इट सेल्फ और डज इट पम्प फॉर द एंटायर बॉडी इट एक्चुअली पंप फॉर द एंटायर बॉडी इट इज नॉट पंपिंग फॉर इट सेल्फ बिकॉज इट इज पंपिंग दैट इज वाई द एंटायर बॉडी इज अलाइव अदरवाइज ये बॉडी खत्म हो जाता है इट वुड नॉट बी एबल टू सरवाइव एंड द हार्ट इज पंपिंग अनकंडिशनली आप उसको कितना भी परेशान करो वो बेचारा चलते ही रहता है या yeah, वो ऐसे नहीं कहता है कि आज मुझे तुम अच्छा ट्रीट करो तो मैं चलूंगा तुम अच्छा नहीं ट्रीट करो तो मैं नहीं चलूंगा ना उसको बहुत ही बुरा ट्रीट करेंगे तो एक बार वो फेल हो जाएगा एंड में लेकिन तब तक तो वो बेचारा पंप करते ही रहता है करते ही रहता है करते रहता है अनकंडिशनली इट्स इट पंप्स

और उस मकसद को पाने के लिए और उस मकसद को फुलफिल करने के लिए हर इंसान को कुछ क्वालिटीज दी जाती है जैसे हर इंसान के अंदर कुछ अलग अलग क्वालिटीज दी जाती है राइट right? जैसे अमिताभ बच्चन जी जो थे उनका पर्पज क्या था चलिए बताइए आई लास्ट यू थ्री आंस क्वेश्चन अमिताभ जी लता जी एंड सचिन तेंदुलकर जी उनको किस पर्पज के लिए बनाया था यू कैन गिव एनी आंसर टू एनी वन वट ऑज अमिताभ मेड फॉर अमिताभ बच्चन जी को क्यों बनाया लता मंगेशकर जी को क्यों बनाया और सचिन जी को क्यों बनाया यस पांडुरंग जी सर्विंग अदर्स अनकंडीशनली मलिका सेज़ फॉर द एंटायर बॉडी यस दिशांश सो अमिताभ जी वॉज मेड फॉर एक्टिंग लता जी वॉज मेड फॉर सिंगिंग यस येस एप्सल्यूटलीशांत सेज यू नो सचिन जी वॉज मेड फॉर क्रिकेट फॉर बैटिंग वेरी गुड निशान सेन लता जी फॉर सिंगिंग एपसल्यूटली अब देखिए अगर अमिताभ जी को किसी ने अगर आर्किटेक्ट बना दिया होता तो क्या होता डू यू थिंक यूड बीन अ मोर सक्सेसफुल आर्किटेक्ट एज ही एज सक्सेसफुल एन एक्टर ही इज टूडे दर इज नो क्वेश्चन बिकॉज ही वॉज डिजाइन टू एक्ट जैसे द हार्ट इज डिजाइन टू पंप अमिताभ बोस जी हैज बीन डिजाइड टू एक्ट और वो बिकॉज ही इज एक्टिंग ही डजेंट गेट टायर्ड आज देखो बरसों तक वो अपनी एक्टिंग कर पा रहे और वो थकते नहीं क्योंकि उनको बनाया गया है एक्टिंग के लिए लता जी गाने से थकती इसलिए नहीं है क्योंकि उनको बनाया गया है सिंगिंग के लिए अगर लता जी को किसी ने फाइनेंस पर्सन बना दिया होता है अकाउंटेंट बना दिया तो, तो क्या होता वुड शी है

क्या okay, आपने देखा होगा वैन अमिताभ जी ट्राइड समथिंग डिफरेंट ही वैन ट्राई टू गो इन टू बिजनेस ही वॉज नॉट एबल टू सक्सीड बिकॉज उनको बिजनेस के लिए नहीं बनाया गया था उनको एक्टिंग के लिए बनाया गया था ओके सो सेम वे लॉट ऑफ पीपल हु आर डिजाइन टू डू समथिंग दे डू समथिंग एल्स दे एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस देर इन टेंशन दे आर इन वरीज दे आर नॉट एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग बिस्तर में से सुबह उठने का मन भी नहीं करता क्योंकि उस चीज के लिए वो बने ही नहीं है अब देखिए सृष्टि में नेचर में हर चीज अपना काम करे जिसके लिए वो बना गया है एक इंसानी वो है जो बना किस किसी चीज के लिए और कर कुछ और रहा है एंड दैट इज़ वाई देर इज स्ट्रेस देर इज टेंशन देर इज़ वरीज दर इज एंगजाइटी देर इज़ सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन पीपल डोंट वॉन्ट इवन गेट आउट ऑफ द बेड्स इन द मॉर्निंग जब हमें ऐसा लगता है कि सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है बिस्तर में से निकलने का मन नहीं कर रहा है काम पे जाने की इच्छा नहीं हो रही है इसका मतलब है कि शायद आप वो काम कर रहे हो जिसके लिए आप नहीं बने गए हो और अगर आप सुबह बेड में से स्प्रिंग की तरह उठते हो और अगर आप दिन भर थकते नहीं हो और काम करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो और आपको समय का भी अंदाजा नहीं रहता दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग दैट यू आर मेड फॉर ओके मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था मैं इंजीनियर था पहले और इंजीनियरिंग मुझे पसंद था ऐसा नहीं था कि मुझे पसंद नहीं था और फिर मैं सी बन गया किसी एक कंपनी का सी बन गया वहाँ पे भी मैं बहुत अपने जॉब को एंजॉय करता था ऑल दैट वाज परफेक्टली फाइन बट ऑनेस्टली मैं अगर आपको कहूँ तो शाम को जब छः सात आठ बज जाते थे तो मैं कहता था बस हो गया आप चलो घर चलते हैं बट वेन आई ट्रूली डिस्कवर्ड माई पर्पज एंड देट वॉज दैट ऑफ टीचिंग आई लव टीचिंग मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता था जब मुझे सिखाना अच्छा लगता है तो आज मैं जब मेरे वर्कशॉप्स करता हूँ तो जितने लोगों ने मेरे वर्कशॉप्स अटेंड किए उनको पता है कभी कभी मेरे वर्कशॉप्स 12 घंटा 16 घंटा 18 घंटे तक भी वर्कशॉप चले द मैक्सिमम आई हैव डन इज़ लाइक एटीन आवर्स स्टार्टिंग एट एट ओ क्लाक इन द मॉर्निंग एंड गोइंग ऑल द वे टिल अबाउट वन टू टू इन द नाइट एंड आई डोंट गेट टायर्ड इनफैक्ट जितना ज़्यादा मैं काम करता हूँ उतना ज़्यादा मैं कर, कर पाता हूँ उसको इसलिए क्योंकि मैंने ये डिस्कवर किया कि मैं किस चीज के लिए बना गया हूं सो वेन यू डिस्कवर वॉट यू आर रियली मेड फॉर वट आई यूर इन आर यू रियली डिजाइन फॉर यू डोंट फील टायर्ड अब हर इंसान को किसी ना किसी चीज के लिए बनाया जाता है और इसको खोजना बहुत जरूरी है कि किस चीज के लिए बनाया है आप देखेंगे छोटे बच्चों को सब कुछ पता होता है छोटे बच्चे यू विल सी दैट देर आर सो मेनी चिल्ड्रन इनफैक्ट बच छोटे बच्चे यू you नो know, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के तरफ आकर्षित होते हैं सम चिल्ड्रन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्लावर्स एंड नेचर दैट मीनस एनिमल्स सम चिल्ड्रन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कार्स सम चिल्ड्रन आर यू नो वेरी हैप्पी टू ओपन अप एवरीथिंग एंड यू नो प्ले अराउंड विद इट सम चिल्ड्रन यू नो लाइक टू प्ले विथ कंप्यूटर्स सो आप देखेंगे बच्चे नेचुरली जानते हैं कि वो किस कुछ बच्चे डांस करना चाहते हैं कुछ बच्चे पेंटिंग करना चाहते हैं यू नो दे लव पेंटिंग और आप उनको बुला बुला के थक जाओगे लेकिन वो आएंगे नहीं दे विल नॉट बी एबल टू कम दे डोंट कम बिकॉज दे जस्ट लव दर वर्क सो मच दैट दे डोंट फील लाइक लिविंग देयर जॉब एंड कमिंग और व्हाट एवर वर्क देर डूइंग तो इस चीज को हमें डिस्कवर करना है कि व्हाट आर यू रियली मेड फॉर बी नाइज सेंग द करेक्ट वर्ड इट इज स्वधर्मा व्हाट आर यू रियली डिजाइन फॉर ओके सो so जब हम इस चीज को पता करते हैं कि हम किस चीज के लिए बने गए काफी सारे लोग पूछ रहे कि सर हाउ डू रियली डिस्कवर योर कॉलिंग ओके समू गिव यू वन टिप टू अदरवाइज देर आर सम मेथड्स विच यू हैव टू लर्न टू रियली डिस्कवर योर पैशन एंड ऑल ऑफ दैट विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड बट आई विल लीव डेफिनेटली वन क्लू विथ यू विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच विल हेल्प टू डिस्कवर योर पर्पस ओके दी वे टू फाइंड आउट देखो क्या तरीका है कि हमें पता चल सकता है कि मैं पर्पस पे हूं या नहीं हूं ओके okay? सो so, एक ही तरीका है कि हाउ मच जॉय डू यू एक्सपीरियंस इन योर वर्क द अमाउंट ऑफ जॉय दैट यू एक्सपीरियंस दैट्स योर इनर गाइडेंस सिस्टम हमारे अंदर एक सिस्टम है जिसका नाम हम कह सकते हैं हमारे अंतर्मन की आवाज या उसको हम कह सकते इनर गाइडेंस सिस्टम द इनर गाइडेंस सिस्टम इज द सिस्टम विच टेल्स यू आर यू ऑन ट्रैक और आर यू ऑफ ट्रैक अगर आप ऑन ट्रैक हो तो आपको अंदर से खुशी महसूस होगी अगर आपका लाइफ ऑफ़ ट्रैक हो चुका है तो अंदर से स्ट्रेस महसूस होगा या टेंशन महसूस होगा इसलिए परमात्मा ने हमें इमोशंस दिए अगर इमोशंस होते ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं यू नो सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं हमें पेन फील ही नहीं होता तो इसी तरह जॉय इज़ द इमोशन विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड वेदर यू आर ऑन पर्पस और यू आर ऑफ पर्पस अगर आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत ही खुशी मिल रही है मतलब आप टाइम का अंदाज़ा भूल जाते हो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितने घंटे निकल गए देन यू आर ऑन पर्पस अगर आप मैक्सिमम जॉय महसूस कर रहे हो दैट मीन्स यू आर फुल्ली ऑन पर्पस अगर आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो देन दैट मीन्स यू आर फिफ्टी परसेंट ऑन पर्पस अगर आप पूरे फ्रस्ट्रेटेड हो जो काम कर रहे हो उसको करने में तो आप बिल्कुल ऑफ पर्पस हो तो दैट इज द वे टू फाइंड आउट व्हाट यू आर ट्रूली मेड फॉर हाउ मच जॉय डू यू एक्सपीरियंस तो वन ऑफ द वेज इज टू रियली फाइंड आउट स्कैन योर एंटायर लाइफ लुक थ्रू योर लाइफ और पता करने की कोशिश करो कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज जहां आपको बहुत खुशी मिलती है इसके लिए आपको शांति से एक घंटा बैठना पड़ेगा एक या दो घंटा आंखें बंद करनी पड़ेगी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो मैं जब करता हूँ या करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आई फील सो गुड आई लूज ट्रैक ऑफ टाइम एंड आई डोंट नो हाउ मच टाइम इज़ गॉन बाय जैसे कुछ लोगों को दूसरों लोगों को मदद करने में अच्छा लगता है जैसे रजनी सिंह यू नो माई लाइफ इज़ ऑन ट्रैक बिकॉज हर पर्पज शी इज़ अंडरस्टूड शी इज़ हर पर्पज शी जस्ट मैं टू इंस्पायर अर दीपल टू लिव अ हैप्पी लाइफ सो वंस यू डिस्कवर योर ट्रू पर्पज यू रियली रियली अंडरस्टैंड यू फील द जॉय इन योर लाइफ और अगर आपको यह जॉय पता चल गया और अगर आपको यह पर्पज पता चल गया तो आप इस काम को जिंदगी भर कर सकते हो बिकॉज आप कभी थकोगे ही नहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी ही इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन वेन इट कम्स टू द एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ पर्पज बिकॉज डॉक्टर अब्दुल कलाम जी वॉज बाई हार्ट अ टीचर नाउ सी ही बिकम्स द मिसाइल मैन ऑफ द कंट्री या ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री लेकिन ये सारी चीज़ें जब उनकी प्रेसिडेंटशिप की टेन्योर ख़त्म हो गई और वो जब उस जॉब में से बाहर निकले तो डिड ही लीव हिज वर्क नो ही नेवर स्पेंट अ डे विदाउट वर्किंग बिकॉज ही वेंट बैक टू हिज ट्रू पैशन ऑफ टीचिंग और उसको उन्होंने जब वो टीचिंग करना शुरू किया तो वो उन्होंने उसके बाद प्रेसिडेंटशिप खत्म होने के बाद एवरी सिंगल डे ही यूज टू गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिकॉज ही वॉन्टेड टू इंस्पायर यंग माइंड थ्रू हिज टीचिंग एंड दैट इज वाई एवरी सिंगल डे यूज टू गो टू स्कूल एंड कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन इन एवरी

he was so passionately giving his last lecture also and after he finished his his lecture the man just simply collapses imagine he used this full life so beautifully puri zindagi ko unhone achhi tarah se jiya और इसलिए अगर आप डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का रिकॉर्ड देखोगे तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग हाईएस्ट पॉलिटिशियन इन द कंट्री द हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री आप देखेंगे कि उनके करियर में कभी भी कोई भी काला धब्बा नहीं लगा नॉट अ सिंगल ब्लैक मार्क नाउ दिस इज वॉट आई वुड कॉल एज लिविंग ओके सो ऑल ऑफ अस वेन वी डिस्कवर अ पर्पज यू मे बी गुड डांसर्स सम ऑफ यू मे बी गुड पेंटर्स सम ऑफ यू मे बी गुड आर्टिस्ट सम ऑफ यू मे बी यू नो गुड इन हेल्पिंग पीपल इसको डिस्कवर करना है और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना जॉब छोड़ दो ओके okay? <laughs> जॉब छोड़ दोगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा सो आई एम नॉट सेइंग लीव योर जॉब बट स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लव टू डू यू नो जब हम बच्चे थे तो ये सारी चीजें हम करते थे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो गई बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए फिर नौकरी शुरू हो गई फिर शादी हो गई फिर बच्चे हो गए सब कुछ करने लगे उसमें हम तो भूल ही गए कि हम किस चीज के लिए बने विज इस गॉड वॉट वी मेड फॉर And that is why this emptiness comes in life when you are around 45 to 50 years. So if you discover what you are truly made for, then you can keep doing this all your life. Till the last, last day of your life, you're standing on your two feet doing what you are supposed to do, and then then ticket cut nikal gaye. You can truly live your life the way you want. Okay.

सम ऑफ यू कुड बी जस्ट पीपल हु लव टू हेल्प other people. पीपल तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो दूसरों को हेल्प करना चाहता है तो आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टीम है जिसको हम कहते हैं यू नो वी हैव ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम वो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में हम ट्रेन करते हैं आपको कि इस तरह का काम आप दूसरों को इंस्पायर करना दूसरों को मोटिवेट करना दूसरों की ज़िंदगी को कैसे बदला बदलना ये हम सिखाते हैं वहाँ पर सो इट्स ए फोर्टीन डे वेरी इंटेंसिव प्रोग्राम चौदह दिन बारह घंटे जहाँ पे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप दूसरों को सिस्टमेटिकली हेल्प कैसे कर सकते हो और इस चीज़ को आप एक पूरे फुल टाइम करियर की तरह भी कैसे कर सकते हो पार्ट टाइम कर सकते हो फुल टाइम कर सकते हो लेकिन इस काम को आप कर सकते हो एंड टुडे आई फील इन टूडेज़ वर्ल्ड दिस इज़ बैडली नीडेड ओके सो रंजीत सेज़ आई लव हेल्पिंग अदर पीपल पद्मजा सेज फैशन एंड स्टाइलिंग very good padmaja so you should continue doing that ramkrishna ji says i love teaching very good i'm just waiting for some more examples vinod Yajav, the the yadav says i got my purpose and i'm enjoying my life fullest doing it vinod is a true inspirational person he's got a huge team under him and inspires other people to succeed in their life हमारे काफ़ी सारे ट्रेन द ट्रेनर के कोचेस भी ऑनलाइन है आई थिंक आशीष बंसल इज देर इज देर इज नॉट अवर कोच बट रजनी इज देर पूनम चौहान सेज आई लव टीचिंग एंड आई एम श्योर पूनम जी वन डे यू गोट जॉइन आर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम आई नो यू आर वेरी कीन ऑन जॉइनिंग निलेष जी सेज हाओ अमिताभ जी सचिन जी एंड लता जी केम टू नो द पर्पज ऑफ द लाइफ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वेल इट वॉज नॉट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लेकिन बाई चांस द स्टम्बल्ड अ पॉन इट कहीं ना कहीं उनको दिखाया गया एक्चुअली सचिन जी को तो पहले टेनिस अच्छा लगता था लेकिन उनके कोच ने उनके अंदर ये हुनर देखी और उनको फिर उनको गाइड किया कि तुम क्रिकेट में जा सकते हो सो so, कुछ लोग लकी होते हैं कि उनको पहले से पता चल जाता है कुछ लोगों को लाइफ के बीच में पता चलता है कुछ लोगों को एंड में पता चलता है सुरेश श्री श्री जी लव गिविंग ट्रेनिंग टू पीपल ऑसम सुरेश जी यू कैन प्रॉब्ली ज्वाइन आर टीम एट सम पॉइंट समल्स काफी सारे लोग अपने पर्पस को लकीली दे ओके पूनम Says yes. <laughs> Thank you, Punamji. Mansi says, Can we have more than two things that we love to do? I love to teach yoga and I also love to paint. Yes, of course, you can have two things that you love to do, but you will see that one of them gives you a greater piece of joy. So you can do both and then at some point narrow down on one thing which gives you extreme joy. Okay, Sushmito says, I love nature by product, hiking and photography, you love that. तो सुष्मिता जी वो आपको करना चाहिए हैंग अराउंड मोर विद नेचर जो लोग कुदरत के प्रेमी होते हैं वो लोग अगर किसी ऑफिस में बैठ जाएंगे ना तो बोर हो जाएंगे बिल्कुल दे विल विलट देयर जॉब पूनम बम्बा जी सेज दैट ऑब्जर्विंग डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स वेरी गुड दे शी लाइक्स टू ऑब्जर्व पीपल पूजा जी सेज सर आई स्टिल डोंट नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ दिलीप जी सेज आई ब्रिंग आई लव ब्रिंगिंग द बेस्ट इन पीपल्स लाइफ Okay, Jitendraji says I love to serve the community through my rotary club. Vaibhav says I love photography. Malikaji says she loves training. Yes, that's why she joined our train the trainer program. Amoji says, please guide sir. What is her true purpose? Okay, very good. So I've got a good number of answers. The true purpose, ji that's a fantastic question. What is the true purpose of a human being? द ट्रू पर्पस ऑफ ए ह्यूमन बींग इज एग्जैक्टली द सेम वो एग्जैक्टली exactly वही है जो हर चीज का इस सृष्टि में है जैसे मैंने आपको कहा गुलाब का पर्पज़ है दूसरों में खुशियाँ बांटना थ्रू इट्स फ्रेगरेंस एंड ब्यूटी एक पेड़ का पर्पज है कि फल देना शेड देना ऑक्सीजन देना एंड ऑल ऑफ दीज पीपल आर डूइंग इट अनकंडिशनली इसी तरह इंसान का भी पर्पस ये है कि उसकी जो टैलेंट्स है वो दूसरों के साथ उसको दूसरों को सर्व करे अपने टैलेंट्स को इस्तेमाल करते हुए बट वो भी अनकंडीशनली सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ टीचर एंड वेन आई एम टीचिंग एट द टाइम ऑफ टीचिंग इट शुड भी अनकंडीशनल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अभी आपको कुछ सिखा रहा हूं तो इसमें से मुझे कुछ फायदा होना चाहिए तो ही मैं आपको सिखाऊँ नहीं तो मैं क्यों सिखाऊँ एंड इट शुड भी टोटली अनकंडीशनल इट शुड नॉट बी डिपेंडिंग ऑन कि कौन मेरे से बात कर रहा है कि इस ऑडियंस में हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा धनवान हैं, कुछ लोग शायद मीडियम हैं, कुछ लोग शायद कम धनवान हैं। तो मेरा सबका ट्रीटमेंट अलग अलग नहीं होना चाहिए इट शुड नॉट बी दैट आई एम ट्रीटिंग वन पर्सन वेरी रिस्पेक्टफुली एंड आई एमस डिसरिस्पेक्टिंग समबडी एल्स सो द ट्रू पर्पज ऑफ अयूमन बीइंगज़ टू सर्व अदर्स यूजिंग हिज क्वालिटीज़ अनकंडिशनली जैसे हम अपने क्वालिटीज़ को डिस्कवर करते हैं इन क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करके हम अगर किसी को सर्व करते हैं जैसे अमिताभ जी की क्वालिटी है एक्टिंग तो अमिताभ जी उनकी एक्टिंग को यूज़ करके दुनिया के लाइफ में बदलाव ला रहे हैं दूसरों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं दूसरों के जीवन में खुशियां ला रहे हैं लता जी की ट्रू क्वालिटी है सिंगिंग तो उस क्वालिटी को इस्तेमाल करके वो दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांट रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं मेरी टीचिंग की क्वालिटी को यूज करके दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूं एंड दैट इज हैज टू बी अनकंडीशनल नो कंडीशन अटैच दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंसान एक ही है जो अनकंडीशनल नहीं है ओके बिकॉज वी हैव समथिंग कॉल्ड द माइंड नो बडी अ माइंड एवरीबडी एल्स इज यू नो जस्ट सरवाइविंग सपोज टू डू

तो अगर आप कोई भी आपका काम कर रहे हो आपका बिजनेस कर रहे हो आपका जॉब कर रहे हो तो आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें अगर दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की भावना है तो आपका वो काम अच्छा होगा और सफल होगा अगर आपका वो काम है सिर्फ पैसा लेने के लिए इट इज नॉट गोइंग टू लीव अ वेरी गुड वाइब्रेशन देयर ओके पैसा इंपॉर्टेंट है एंड पैसा एट द एंड ऑफ द डे इज इंपॉर्टेंट टू लिव अ गुड लाइफ टू सर्वाइव टू टू इनफैक्ट थ्राइव एंड टू बी प्रोस्परस एंड टू बी हैप्पी

सो सर्विंग दी यू नो द उस उनके लिए काउस के लिए जो काम करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है वरदा सेज़ बींग अनकंडीशनल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एप्सल्यूटली वरदा दैट इज सो मच हैप्पीनेस वैन यूर अनकंडीशनल इन योर वर्क या सुधाकर सेज आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स थ्रू टीचिंग यस सुधाकर जी फील फ्री टू टॉक टू अस एंड आई विल गाइड यू ऑन हाउ यू कैन डू दैट बिकॉज वन ऑफ माई पर्पज इज टू रियली रीच आउट टू वन बिलियन पीपल मेरा जो मकसद है इज़ टू एक्चुअली स्प्रेड द नॉलेज ऑफ माइंड पावर टू हंड्रेड क्रॉर पीपल क्योंकि आज हमारे प्लानेट में माइंड के नॉलेज का एब्सोल्यूटली इट इज़ नॉट देयर एट ऑल कोई स्कूल माइंड के नॉलेज के बारे में सिखाता नहीं कोई कॉलेज नहीं सिखाता है इसलिए इस माइंड को हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते तो माइंड गलत सोचने लगता है और गलत दिशा में जाता है तब गलत चीज़ें करता है तो अगर हम माइंड्स को पहले से ही ट्रेन करें जैसे स्कूल से ही ट्रेन करना शुरू कर दें तो बच्चों के माइंड्स कभी गलत सोचेंगे ही नहीं एंड देयर ऑलवेज थिंक अबाउट वॉट देर सपोज टू डू क्रिएट समथिंग अमेजिंग इन लाइफ यू नो बी सक्सेसफुल बी हैप्पी एंड सर्व अदर पीपल मेक अदर पीपल हैप्पी तो मेरा ये मकसद है कि सौ करोड़ लोगों तक हमें पहुंचना है और ये माइंड ट्रेनिंग पहुंचाना है तो इसलिए आई एम लुकिंग फॉर लाइक माइंडेड पीपल इस तरह के लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ जो इस तरह का काम करना चाहते हैं टुडे आई हैव 124 एंड ट्वेंटी फोर कोचेस आई एम सो हैप्पी टू टेल यू ऑल दैट हमारे 124 कोच हैं जो पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं नीरज शाह इज ऑल्सो प्रॉब्ली देर ऑनलाइन। सो ऑल ऑफ दीज कोचेज आर पीपल हु आर सर्विंग अनकंडीशनली सर्विंग सेल्फलेसली वो सब अपने अपने तरीके से दूसरों को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और बिकॉज ऑफ दैट आई एम एबल टू डू दिस वर्क टूडे मैं आपके सामने इसलिए क्योंकि ये मेरा मकसद है तो मकसद है तो उसमें अनकंडिशनैलिटी होती है तो इसमें अटैच्ड no क्या आप कल मुझसे कुछ खरीदो नहीं खरीदो जुड़ो नहीं जुड़ो इससे कोई लेना देना नहीं कैन आई मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ वैल आई एम डूइंग दिस वर्क दैट द ट्रू पर्पज ओके सो ग्रेट आईम आई एम I am hoping that you all must have loved the topic today. So, I would like to hear from some of you how did you find the topic today? This is one of my most favorite topics understanding the true purpose of life. Vardhamanji says, uh, Vardha says, yes, Gurukuls used to teach all of this, right? But it has changed, the educational systems have changed.

Ritu Pagariya says that I want to definitely become a mind power coach for kids. Yes Ritu ji, most welcome. Nishad says possibly the root of everything sir is, is the mind. Yes, always great to re revisit the purpose. Anita is very important topic. Padma ji says loved the topic. Padmaja says amazing. Jayashri ji says loved the session. Thanks everybody for understanding the true meaning of life. Yes, Sundarji says, thank you for helping us understand the true meaning of life. Prasanna ji, Zerur, welcome. Welcome. Please join our TTT program. I love to have people like you. Swamiji says, Kripa Shankar says, ultimate because this is the foundation. That is so true. Mamita says, I love teaching. देखो कितने सारे बाय हार्ट टीचर्स हैं यहाँ पे एंड दैट इज वाई यू लाइक टू लिसन टू अदर्स ऑल्सो मोस्ट पीपल इन दिस ऑडियंस आर इन बोर्न प्रोबेबली वॉन्टिंग टू हेल्प अदर पीपल और दीज आर पीपल हुन लव टू लर्न लव टू टीच रजनी सेज इट वॉज इंस्पायरिंग एंड अपलिफ्टिंग थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड प्रभाकर सेज ग्रेट वैल्यू टू लाइफ बाय अंडरस्टैंडिंग पर्पज ऑफ लाइफ Thank you so much everybody. and I would like you all to leave a comment. we'll definitely do a meditation before we go. but I'd like all of you to leave a comment and say what is the one thing that you truly love to do and where you find when you experience maximum joy? Okay Ta and now let's get into meditation. और इस मेडिटेशन में भी आप अपने परमात्मा से भी पूछ सकते हो कि यू नो व्हाट एम आई रियली मेड फॉर व्हाट इज माय पर्पस यस जयश्री जी आई नो यू आर आस्किंग मी टू कंटिन्यू द टॉपिक बट यू नो वी हैव टू डू कलेक्टिव वी हैव टू डू द मेडिटेशन बिकॉज 130 पीपल डूइंग मेडिटेशन विल ब्रिंग द वर्ल्ड बैक टू नॉर्मल वी विल कॉन्ट्रीब्यूट टू लिटिल बिट एंड वर्ल्ड नीड्स दैट Badly right now, so we, we cannot skip the meditation. Okay, so because that creates the power of collective consciousness. Okay, awesome. So let's begin. Everybody sit in the relaxation position. We'll do a little shorter meditation today because we are running a little late today. So, everybody sit in the relaxation position. Make sure your back is well rested, spine is straight. Hands and legs are not crossed. Gently close your eyes and start taking deep, long breaths. And as you start taking deep, long breaths, you allow yourself to go deeper and deeper and deeper into relaxation. With every inhalation, with every inhale, you take in love, joy, peace, and serenity. And with every exhale, you let go of all the stress, all the tension, all the anxiety, and all the worries from your system. ईश्वर जी यू कैन लाई डाउन डू द मेडिटेशन अपना पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर रखें। सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए अपने पूरे शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए रिलैक्स योर हैंड्स योर लेग्स योर एबडामिन एरिया चेस्ट एरिया योर एंटायर बैक योर शोल्डर मसल्स नेक मसल्स एंड योर फेस मसल्स कंप्लीटली पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए महसूस करिए कि एक ब्यूटिफुल रिलैक्सेशन का वेव इट इज़ एंटरिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ योर बॉडी एंड पासिंग थ्रू एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी एंड मेकिंग योर एंटायर बॉडी कंप्लीटली रिलैक्सड पासिंग थ्रू योर फॉरहेड योर आईज योर ईयर्स योर नोज योर लिप्स योर चिन एरिया योर शोल्डर एरिया योर चेस्ट एरिया योर एपडोम एरिया एंड योर एंटायर लेग्स महसूस करिए कि आपका शरीर अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है एंड नाव दैट योर बॉडी इज कम्प्लीटली रिलैक्सड यू विल नाउ रिलैक्स द माइंड माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैं दस से एक की गिनती करूंगा और जैसे आप एक पे पहुंचोगे तो आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओगे टेन नाइन गोइंग डीपर एंड डीपर एट सेवन सिक्स फाइव With every count, you're going a thousand times deeper into your subconscious mind. Four, three, two, and one. You've now reached one of the deepest levels of your subconscious mind. Now you may transport yourself. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस ऑन प्लान अर्थ अपने आप को एक ऐसी जगह में लेके जाइए जो शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है दिस इज अ प्लेस दैट यू ट्रूली लव और जैसे आप ये सुंदर जगह में पहुंच जाते हो आपका मन और भी शांत हो जाता है टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू एक्सपीरियंस द प्लेस फुल्ली Feel the sunlight, the cool breeze, the chirping of the birds in the sky, the fragrance of the flowers, the sound of the waterfall. And as you experience the beautiful place, your mind becomes more and more peaceful. At this stage, both your body and your mind are now completely relaxed.

That exists within you. Whatever you visualize and affirm in this state of mind comes to physical reality in your life. So, first of all, we are going to express gratitude to God for everything that is there in your life. Right from giving this extra day, Aaj ka din, tune mujhe dia, uske liye thank you, thank you, thank you.

वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं थैंक यू सो मच फॉर ऑल द प्रस्पेरिटी इन माई लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम द एयर द दॉटर द फूड द क्लोथ्स द हाउस दैट यू लिव इन माई कार माई ऑफिस एंड एवरीथिंग ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ Thank you so much for all this abundance in my life. Thank you, thank you, thank you. We have a deep sense of gratitude towards God for all His blessings. Now we're going to seek forgiveness from God for all our past karmas which are creating a problem in our life today.

और मदर नेचर थ्रू माय थॉट्स वर्ड्स एंड ईड्स देन प्लीज मी, प्लीज मी. नाउ विजुलाइज दट अ ब्यूटीफुल व्हाइट शाइनिंग लाइट इज कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड एंड इट इज कवरिंग द एंटायर प्लेनेट अर्थ कवरिंग ऑल द सेवन बिलियन पीपल विजुलाइज़ करिए कि ये लाइट आपको भी पूरी तरह से कवर कर रही है And it is washing away all the old karmas which are creating problems in your life. Visualize that this is happening for all the 7 billion people on the planet. This is God's grace, mercy, and it is a divine healing light which is coming from God. It is healing all those people who are right now in pain.

Giving us a feeling of safety. We are very grateful to God for His blessings, His mercy, His grace. Let us all also express our gratitude towards all those people who are working day and night to make us comfortable at our homes. कितने सारे लोग काम कर रहे हैं ताकि हम अपने चैन से अपने घर से घर पे रह पा रहे हैं ऑल द डॉक्टर्स द द पैरामेडिकल स्टाफ द सपोर्ट स्टाफ द सपोर्ट टीम्स और वो सारे लोग आर मेकिंग यू नो ऑल द दसेंशियल डेली एसेंशियल्स अवेलेबल टू अस एवरी सिंगल डे राइट फ्रॉम द मिल्क टू द ग्रेन्स टू द फ्रूट्स द वेजिटेबल्स एवरी थिंग दैट यू नीड ऑन अ डेली बेसिस अवेलेबल टू यू There are so many people working in the supply chain, right from the farmers to the logistics companies to the people who are storing the grains to the people who are buying it, bringing it to your house. Thank you to all these people. Wonderful. I'm going to give you one minute to visualize your most important goal. आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल को विजुलाइज़ करिए जैसे कि वो सच हो रहा है आपके सामने रिमेंबर वॉट एवरी गोल यू आर विजुलाइजिंग राइट नाउ इज अ डायरेक्ट कमांड टू द यूनिवर्स द यूनिवर्स इज इनफिनिटली इंटेलिजेंट इट्स ऑलमोस्ट लाइक पुटिंग अ सीड इन द ग्राउंड वेन यू पुट द सीड इन द ग्राउंड द इंटेलिजेंस विद इन विल कन्वर्ट द सीड इन टू अ फुल ट्री इसी तरह हमारे माइंड में हम किसी बीच को बोते हैं तो वो बीच भी एक ना एक दिन सच बनकर ही रहता है तो अपने गोल को विजुलाइज़ करिए जैसे कि वो सच हो रहा है आपके सामने और क्योंकि वो सच हो रहा है आप बहुत ही खुश हो यर एब्सोल्यूटली इन अल्टीमेट जॉय एंड हैप्पीनेस दैट आपका ये सपना पूरा हुआ और आप वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट यू हैव अचीव दिस Goal because of His blessings. Remember, without His blessings, not even a little leaf can move in this universe. So, while we are doing our work, it is God's blessings which really make things happen. It is a co creation effort. Nothing happens alone. Neither can we create something alone, neither can God help us alone. It is a co creation process. वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आपका एक गोल सच हो गया है एंड नाउ वी विजुलाइज बी परफेक्टली नॉर्मल विजुअलाइज करिए कि आज सुबह आप उठे हो और न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो और न्यूज़पेपर में आप देख रहे हो कि हेडलाइंस ये है कि फाइनली द वर्ल्ड इज बैक टू नॉर्मल द कोरोना वायरस इज गॉन एंड वी आर ऑल कंप्लीटली सेफ नाउ वर्ल्ड इज कंप्लीटली बैक टू नॉर्मल और आपके आप और आपके परिवार वाले सारे लोग बहुत खुश है आपके सोसाइटी में आप देख रहे हो चारों तरफ दैपीनेस दर इज दिसलिंग यू कैन इ बेल्स द वि थालियों के बजने की आवाज सुनाई दे रही है एवरीबडी इज एक्सट्रीमली हैप्पी दट फाइनली द वर्ल्ड इज़ बैक टू नॉर्मल और आज आप बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो क्योंकि फर्स्ट टाइम यू विल भी गोइंग टू ऑफिस आफ्टर सो मैनी डेज तो आपको अंदर से बहुत ही खुशी हो रही है जितने भी कम्पलेंट्स है वो सारे कम्प्लेन निकल गए ट्रैफिक बहुत है बॉस बहुत काम कराता है ऑफिस में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम डिजोल्व हो गए बिकॉज नाव वी अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दोज ब्लैसिंग दैट व देर इन आई लाइफ ऑल द कंप्लेन ऑफ डिजॉल्ड एंड यू फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड और जब आप घर से बाहर निकलते जितने लोग आपको मिलते हैं यू आर नोटिसिंग दैट एवरीबडीज वाइब्रेशन इज वेरी डिफरेंट एवरीबडी इज ग्रेटफुल एवरीबडी इज इन अप्रीसिएशन मोड दे आर हैपी जॉयफुल पीसफुल लविंग केयरिंग कंपैशनट वॉन्टिंग टू हेल्प अद पीपल तो आप थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करते हो कि भले ही द वर्ल्ड हैड टू गो थ्रू सो मच ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स सो मेनी चैलेंजेस सो मेनी प्रॉब्लम्स बट फाइनली द वर्ल्ड हैज इमर्ज टू बी सच अ ब्यूटिफुल प्लेस इट्स ऑलमोस्ट लाइक सतयुग द क्रिएशन ऑफ हेवन ऑन अर्थ द क्रिएशन ऑफ हेवन ऑन अर्थ ऑटोमेटिकली है माइंड ऑफ पीपल आर Calm, peaceful, full of love, joy, happiness. When all the minds are aligned with the true feelings of what God has made us for, you automatically create heaven on earth. And you realize that is happening right now. So when we look back, we see even the coronavirus had come for a reason, and the reason was always good. And you're very thankful and grateful to God for helping us grow through the journey, keeping all our mem family members safe, and finally making the world a much, much better, happier, compassionate world. And you look up in the sky and you shout, Thank you, thank you, thank you, God, thank you so much for a fantastic, a much more beautiful, loving, kind, peaceful world. Thank you. Thank you. Thank you. Now we will come out of the alpha state. I will count up from one to ten and at the count of ten, when you open your eyes, you will be in a completely different feeling. A feeling of love, joy, peace, Happiness, calm, deep relaxation, fulfillment. So let's begin with one and let's start slowly coming out of the deep alpha state. Two, three, four, slowly coming out, five, six, coming out slowly, seven. 8, 9. you may please rub your hands together. put them on your eyes. feel the warmth of your palms on your eyes. and 10, slowly take your hands off your eyes. and whenever you're ready, you may slowly and gently ओपन यूराइज धीरे से अपनी आंखें खोलिए और जैसे आप अपनी आंखें खोलते हो तो यूर इन कंप्लीटली डिफरेंट वाइब्रेशन अ फीलिंग ऑफ लव जॉय पीस डीप रिलैक्सेशन एंड कंपैशन थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीबडी Hello, hello, Nimisha ji, hello, Alifia ji, nice to see you all after a long time. So, how is everybody feeling? What is Wonderful, I hope everybody has opened their eyes. <laughs> feeling good? yes pandey padmaja says great deepak ji says wonderful Ranjiji says thank you sir alifia says feeling just grateful Ratnakarji says thank you sir meetal says thank you sir Padmaja says, Hello Jalaj, how are you? Jalaj is also feeling motivated. Sunita so says, Feeling good. Mano says, Thank you, sir. Mithal says, Relaxing. He says, Thank you so much, Aishree ji, for that wonderful comment. <laughs> Vipinji says, Wonderful session. Sureshji says, "I'm short of words to express my gratitude for taking us into deep meditation every night. I'm getting very, very deep sleep every night. Very good." Gopal says, "Feeling elated." Amit says, "Great feeling." Ishwar says, "Lockdown for a purpose. World is under renovation. Yes, we can expect to see a much more beautiful and a wonderful world." Where people are really grateful, truly grateful for God's blessings. Akash is saying thank you. Vardha is saying feeling very good. Nishad is saying feeling hopeful. Rajpal says great feelings. Wonderful. So let's bring this evening to a close. I would like all of you to leave two comments today. One is, वॉट इज़ एट वन थिंग दैट यू ट्रूली फील जॉयफुल अबाउट ओके क्या ऐसी चीज है जिसको आप बहुत ही प्यार बहुत प्यार करते हो यू लव डूइंग दैट और आप पूरी दुनिया को भूल जाते हो और अगर आप हमारे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम को आगे जाके ज्वाइन करना है इफ नॉट नाव मे बी लेटर कभी भी आप करना चाहते हो इफ़ यू हैव एन इंटेंशन ऑफ डूइंग दैट लीव एन इंटेंशन टूडे इन दिस इन द कमेंट दैट आई इंटेंट टू डू द ट्रेन द ट्रेनर अगर आप एक इंटेंशन करोगे हो सकता है कभी ना कभी फ्यूचर में हो जाए एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ आर टीम डिफरेंस टू दिस प्लान और आज का टॉपिक कैसा लगा वो भी आप एक कॉमेंट छोड़ दीजिएगाकू थैंक यू एवरीबडी नीले जीज जस्ट वंडरफुलिस द सेम टॉपिक टूमारो Okay, now we have so many topics to cover. Ujwala says feeling grateful and a chance to work with my inner self. Rajini is feeling grateful. Thank you so much, everybody. I yes, ji, he's saying I intend to do train the trainer. <laughs> Good. प्लीज़ ऑल्सो लीव योर नंबर सो वी कैन सेंड यू सम इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स तो आपको कुछ आइडियाज आएँगी कि कैसे कर सकते हो आप ये प्रभाकर जी सरज़ आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ़ द बेस्ट ट्रेनर्स जयश्री सरज आई वॉन्ट टू बी योर ट्रेनर टी 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 आई वॉन्ट टू डू द टी 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 प्लीज़ डू लीव योर नंबर सो दैट वी कैन सेंड यू सम इन्फॉर्मेशन और यू कैन लीव योर ई मेल आई डी वन ऑफ़ द टू वी कैन सेंड यू सम यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड देन वेन एवर द टाइम इज़ राइट You all can join. Amolji also says, I'd like to join the TTT. Wonderful, awesome. Thank you so much. Thank you so much for leaving your number. Yes, Anita ji, I'll, she says, I love learning about the mind. And yes, I intend to do the TTT program in the future. Wow, there are so many people who are interested in training, helping other people. Thank you so much, guys. Ramesh also says, Wow. <laughs> yes, Ramesh, most welcome. Sandhya also says, I want to do the TTT. Great, thank you so much. Do leave your contact information or you can send me a personal email. I would left my email ID it's sunil at riseda.com. S U N I L at R -I -S -E -D -A com. Okay doesn't matter when you want to join shalu says i don't know when i will be able to join don't worry about when just make an intention and at some point it'll happen okay god bless you all wish you all the best and see you soon see you tomorrow day 14 at 9:30 sharp all the best see you bye bye